दोस्तों मैं जगदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं ग्रो यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक नए आईपीओ के बारे में जिसका नाम है रियलटेल, और इसके डिटेल में हम बात करेंगे कंपनी के बिजनेस के बारे में, इंडस्ट्री के बारे में, कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में, और वीडियो के एंड तक मैं आपको बताऊंगा कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आप पूरा एक ओवरव्यू ले सकें इस आईपीओ के बारे में। अगर आपने अभी तक ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारी किसी भी इंपॉर्टेंट वीडियो को मिस ना करें। चलिए कम टाइम लेते हुए सबसे पहले मूव करते हैं कंपनी की तरफ और बात करते हैं कंपनी के बिजनेस के बारे में। दोस्तों रेलटेल को 2000 के अंदर इनकॉर्पोरेट किया गया था बाय मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, और इसका ऑब्जेक्टिव रखा गया था कि रेलवेज के अंदर बेटर कम्युनिकेशन और बेटर कंट्रोल के लिए, और इसके अलावा ये ब्रॉडबैंड के ऑप्टिकल फाइबर्स को रेलवे लाइन के साथ साथ पूरे इंडिया के अंदर लेके जा सकें जिससे ये कंपनी एडिशनल रेवेन्यूज भी बना सके। अगर मैं जून 2020 की बात करूं तो इस कंपनी का जो ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क है वो 55,000 किलोमीटर लंबा है। इसके अलावा इस कंपनी का प्रेजेंस 5600 रेलवे प्लेटफॉर्म से ज्यादा के अंदर है। इससे आपको समझ में आएगा कि कंपनी के ऑपरेशंस कितने बड़े तरीके से पूरे इंडिया के अंदर फैले हुए हैं। रेलटेल के बिजनेस के बारे में अगर आपको ओवरव्यू दूं तो इस कंपनी के बिजनेस को बोला जाता है आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, एंड इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर। तो इन सब चीजों के अंदर ये कंपनी अपना बिजनेस रन करती आई है पिछले कुछ सालों के अंदर। चलिए अब इस कंपनी के बिजनेस के बारे में, अलग अलग सर्विसेज के बारे में थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। मैं आपको लेके चलता हूं अपनी स्क्रीन के ऊपर जहां पे आप देख सकते हैं कि कंपनी की सर्विसेज क्या हैं। सबसे पहले कंपनी टेलीकॉम नेटवर्क सर्विसेज को प्रोवाइड करती है जहां पे ये कंपनी लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन और इसके अलावा वेरियस टेली सर्विसेज प्रोवाइड करती है, इंक्लूडिंग डेटा, वॉइस, फैक्स, टेक्स्ट, वीडियो एंड मल्टीमीडिया। टेलीकॉम सर्विसेज की बात करता हूं तो कंपनी स्टोरेज, पावर, कूलिंग, फिजिकल सिक्योरिटी फॉर सर्वर्स एंड नेटवर्किंग इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करती है अपने कस्टमर्स को। थर्ड सर्विसेज कंपनी प्रोवाइड करती है मैनेज डेटा सेंटर एंड होस्टिंग सर्विसेज, जहां पे अलग अलग तरीके के डेटा सेंटर्स को होस्ट किया जा सकता है। जहां पे कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस प्रोवाइड करती है अपनी अलग अलग डेटा सेंटर्स में होस्टिंग करवाने के लिए। लास्टली अगर मैं बात करता हूं तो कंपनी प्रोजेक्ट के सर्विसेज प्रोवाइड करती है कि मान लो कि इंडियन रेलवेज को एक पूरा प्रोजेक्ट बनवाना है जहां के पे अलग अलग सर्विसेज का यूज होगा जो रेलटेल प्रोवाइड करती है, तो वहां पे रेलटेक उसको एज अ प्रोजेक्ट लेके उन सर्विसेज को मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज को प्रोवाइड करती आई है। ये तो हुई कंपनी के बिजनेस की बात। अब बात करते हैं कि जिन सर्विसेज के बारे में हमने भी डिटेल में बात किया, हर सर्विस से कंपनी को कितना रेवेन्यू निकल के आता है अगर हम इस कंपनी के टोटल रेवेन्यू की बात करें तो। तो जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि कंपनी का टोटल रेवेन्यू 1128 करोड़ का है, जहां पे सबसे बड़ा शेयर टेलीकॉम नेटवर्क सर्विसेज का है जहां से इसका 51.5% का रेवेन्यू सामने आता है। इसके बाद प्रोजेक्ट्स यानी कि सिस्टम इंटीग्रेशन सर्विसेज, जहां से कंपनी का 33.99% का रेवेन्यू आता है, और टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज से 11.99%, मैनेज डेटा सेंटर एंड होस्टिंग सर्विसेज से 2.52% का रेवेन्यू सामने आता है अगर हम रेलटेल की बात करें। रेलटेल के मेन क्लाइंट्स हैं मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। अगर मैं पिछले साल की बात करता हूं तो रेलटेल को वहां से 25% ऑफ द टोटल रेवेन्यू मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज से निकल के आता है। इसके अलावा भी ये कंपनी डिफरेंट कंपनीज को B2B मॉडल में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती आई है जहां से इसका रेवेन्यू निकल के सामने आता है। तो दोस्तों यहां पे अगर हम इंडस्ट्री की बात करें जिस इंडस्ट्री के अंदर ये कंपनी अपना बिजनेस रन करती है यानी कि टेलीकॉम इंडस्ट्री, तो इस इंडस्ट्री के अंदर अगर हम मेजर सर्विसेज को तीन पार्ट्स के अंदर डिवाइड करें तो वहां पे तीन पार्ट्स बनते हैं, वायरलेस सर्विसेज, वायरलाइन सर्विसेज एंड इसके अलावा एंटरप्राइज सर्विसेज। तो यहां पे वायरलाइन में आपको पता ही है कि आज से कुछ साल पहले तक जब वायर्स के थ्रू कम्युनिकेशन हुआ करता था, वायरलेस की बात करता हूं तो आज के टाइम में जहां पे डेटा का यूज करके अलग अलग तरीके से कम्युनिकेशन किया जाता है और जहां पे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स भी सामने आते हैं। एंटरप्राइज सर्विसेज की अगर हम बात करें तो वो कंपनीज जो एंटरप्राइज यानी कि ऑर्गेनाइजेशंस को कम्युनिकेशंस के लिए या टेलीकम्युनिकेशंस के लिए अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं अक्रॉस लोकेशंस। अगर हम पूरी टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री की बात करते हैं तो आपको पता है कि यहां पे नए प्लेयर्स एंटर किए जिसकी वजह से यहां पे बहुत एक्सट्रीम लेवल पे कॉम्पिटिशन हुआ और काफी सारे जो छोटे प्लेयर्स थे वो इस इंडस्ट्री को छोड़ के जा चुके हैं और इस इंडस्ट्रीज के अंदर पूरे तरीके से हमें काफी बड़े लेवल पे कंसोलिडेशन देखने को मिली है पिछले कुछ टाइम के अंदर। दोस्तों ये तो बात हुई कंपनी के बिजनेस के बारे में, अब हम बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में और ये जानने का ट्राई करते हैं कि कंपनी ने पिछले कुछ सालों के अंदर अपने रेवेन्यू के अंदर और अपने प्रॉफिट के अंदर कैसे ग्रो किया है।
तो जल्दी से मैं आपको लेके चलता हूं अपनी स्क्रीन के ऊपर। तो जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं, अगर मैं 2018 की बात करता हूं तो कंपनी का रेवेन्यू 1021 करोड़ का था, जहां पे कंपनी ने 134 करोड़ का प्रॉफिट बनाया था। वहीं पे 2019 के अंदर कंपनी का रेवेन्यू 1038 करोड़ था और कंपनी का प्रॉफिट ऑलमोस्ट सिमिलर 135 करोड़ था। 2020 के अंदर कंपनी का रेवेन्यू 1166 करोड़ और कंपनी का प्रॉफिट थोड़ा सा बढ़ जाता है 141 करोड़। और इस साल का अगर हम मिड तक के नंबर्स की बात करें तो कंपनी का रेवेन्यू अभी तक 553 करोड़ और कंपनी का प्रॉफिट 45.5 करोड़ के आसपास का है। यानी कि दोस्तों अगर हम नंबर्स की यहाँ पे बात करते हैं तो ये नंबर्स ऑलमोस्ट सेम है, मतलब कि थोड़ा सा ग्रोथ देखने को जरूर मिला है 2020 के अंदर, लेकिन कोई सिग्निफिकेंट जंप अभी तक नहीं देखने को मिल रहा है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर और कंपनी के प्रॉफिट के अंदर पिछले कुछ सालों की में। अगर मैं प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात करता हूं तो ये कंपनी अपना पीई मांग रही है 20 के आसपास का, लेकिन अगर हम इसको इसकी इंडस्ट्री के साथ कंपेयर करें तो इंडस्ट्री का प्राइस टू अर्निंग रेशियो 22 के आसपास का है। यानी कि कंपनी जिस प्राइस के ऊपर लिस्ट होना चाहती है वो ऑलमोस्ट कंपेरेबल है टू द पीई रेशियो ऑफ द इंडस्ट्री। अगर हम पिछले 5 साल की बात करते हैं तो कंपनी का रेवेन्यू 15% के सीएजीआर से ग्रो किया है, वहीं पे कंपनी का प्रॉफिट पिछले 5 सालों के अंदर 3.2% के सीएजीआर से ग्रो किया है। फाइनेंशियल्स के बाद अब बात करते हैं इस आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करने के डिफरेंट प्रोस के बारे में। अगर हम इस इंडस्ट्री की बात करें तो बहुत सारी कंपनीज इस पूरी इंडस्ट्री के अंदर लॉस मेकिंग कंपनी है, जहां पे रेलटेल एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ये कंपनी 2007 से लेके अभी तक एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बनी हुई है। अगर हम न्यूट्रल टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स की बात करें तो जिसके अंदर ये कंपनी अपना बिजनेस रन करती आई है, तो यहाँ पे जो भी प्रोजेक्ट्स नेशनल इंपोर्टेंस के होते हैं वो सारे प्रोजेक्ट्स इस कंपनी को मिलते हैं। और इस कंपनी के जो प्रोजेक्ट्स की पाइपलाइन है आने वाले टाइम में वो काफी अच्छी है, यानी कि काफी सारे प्रोजेक्ट्स इस कंपनी के पास आ सकते हैं या पहले से भी इनके पाइपलाइन के अंदर पड़े हुए हैं। अगर हम इंडियन रेलवेज की बात करें तो इंडियन रेलवेज करंटली डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन से निकल रही है। बहुत से प्लेटफॉर्म्स के ऊपर पहले से वाईफाई लगा दिया गया है, लेकिन आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा प्लान है कि ये सभी प्लेटफॉर्म्स के अंदर लोगों को वाईफाई की सर्विसेज मिलेगी। अगर ये सब चीजें आने वाले टाइम में एग्जीक्यूट होती हैं तो इस कंपनी को बहुत बड़ा फायदा हो सकता है, क्योंकि वो सारे प्रोजेक्ट्स ये कंपनी ही उठाती है। जिस सेक्टर के अंदर कंपनी ऑपरेट करती है ये बहुत ही ज्यादा कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर है, यानी कि अपना बिजनेस रन करने के लिए, अपना बिजनेस सेटअप करने के लिए बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत होती है। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद ये कंपनी एक डेट फ्री कंपनी है, यानी कि कंपनी के ऊपर कोई भी डेट नहीं है, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट माना जा सकता है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं रेलटेक में इन्वेस्टमेंट करने के कॉन्स की। सबसे पहला, जिस इंडस्ट्री में कंपनी ऑपरेट करती है वो इंडस्ट्री काफी ज्यादा हाईली रेगुलेटेड इंडस्ट्री है, यानी कि कोई भी नॉर्म्स चेंज होते हैं, कोई भी रेगुलेशन चेंज होते हैं तो कंपनी के बिजनेस ऑपरेशंस के ऊपर काफी ज्यादा मटेरियल इंपैक्ट पड़ता है। तो आपको इस चीज के बारे में एनालिसिस कर लेना चाहिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं। तो सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंटर है कि कंपनी के ऊपर कुछ लीगल प्रोसीडिंग्स चल रहे हैं, जिसके बारे में आपको जरूर डिटेल में पढ़ लेना चाहिए कि वो क्या है, कैसे कंपनी को इंपैक्ट करते हैं। थर्ड, अगर हम नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करते हैं तो 2015 के अंदर कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन 20% के आसपास का था, लेकिन रिसेंट के टाइम का अगर मैं नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करता हूं तो वो 8% के आसपास का है। तो आपको ये भी जरूर देख लेना चाहिए कि कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन लगातार नीचे क्यों आ रहा है और आने वाले टाइम में कंपनी क्या स्टेप लेने वाली है अपने नेट प्रॉफिट मार्जिन को इंप्रूव करने के लिए। लास्टली, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कंपनी का 25% रेवेन्यू सिर्फ एक क्लाइंट से आता है, जिसका नाम है इंडियन रेलवेज, मिनिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज। तो यहां पे इस कंपनी की मिनिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज के ऊपर काफी बड़ी डिपेंडेंसी है, जिसकी वजह से कंपनी को आने वाले टाइम में कैसे अपने रेवेन्यू को, कैसे अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करने के बारे में सोचना है, वो भी एक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंटर होगा जिसके बारे में हम एज ए इन्वेस्टर हमें जानना चाहिए। चलिए अब जल्दी से बात करते हैं आईपीओ के इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। दोस्तों आईपीओ 16 फरवरी से लेकर 18 फरवरी के बीच में ओपन होगा, जब आप ग्रुप पे जाके इस आईपीओ के लिए बिड कर सकते हैं। आईपीओ का बिडिंग प्राइस 93 से लेकर 94 रुपीज के बीच में रखा गया है और एक लॉट में बिड करने के लिए आपको मिनिमम 155 शेयर्स के लिए बिडिंग करनी पड़ेगी। तो एक लॉट 155 इंटू 93 और 94 रुपीज, जहां पे भी आप बिड करना चाहते हैं। कंपनी 819 करोड़ का आईपीओ लेके आ रही है और ये पूरा आईपीओ ऑफर फॉर सेल है, यानी कि गवर्नमेंट अपने स्टेक को इस कंपनी के अंदर सेल करने वाली है। अगर हम आईपीओ ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो मेन ऑब्जेक्टिव है गवर्नमेंट का डिसइन्वेस्टमेंट करना, जहां पे गवर्नमेंट इस आईपीओ के अंदर अपने स्टेक को डिसइन्वेस्ट करना चाहती है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो रेलटेक आईपीओ के ऊपर। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, आप कमेंट करके बताएं कि आपको क्या लगता है कि क्या आपको इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए कि नहीं अप्लाई करना चाहिए। नीचे अपने रीजंस भी लिखिएगा ताकि आपके कमेंट से हमारे व्यूअर्स को काफी कुछ सीखने को मिले। इसके अलावा दोस्तों हम जो भी वीडियोस लाते हैं प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए लाते हैं, हम कहीं भी किसी भी स्टॉक को बाय या सेल करने का बिल्कुल भी रिकमेंडेशन नहीं देते। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी किसी भी इंपॉर्टेंट वीडियो को मिस ना करें।
हैप्पी इन्वेस्टिंग। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and all other instruments traded on the stock exchanges.